जय श्री कृष्णा। मानपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं नवरात्रि के दूसरे दिन आपको बताने जा रही हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी जी को क्या भूख लगता है, उनका मंत्र क्या है और साथ ही उनके स्वरूप के बारे में। तो चलिए देखते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। माँ का ये रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक है। माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम जैसे गुणों की प्राप्ति होती है, जो उसको जीवन में आगे ले जाने में मदद करते हैं। ब्रह्मचारिणी जी माँ श्वेत वस्त्र पहने हुए दाएँ हाथ में अष्टदल की माला और बाएँ हाथ में कमंडल के लिए सुशोभित है। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर मंत्र बताने जा रही हूँ, जो माता का बीज मंत्र है, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र के जाप से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और सही मार्ग पर चलता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र के दूसरे दिन माता को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता को हर भक्त हरे वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। माना जाता है कि इस दिन खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है। तो इस तरह से आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे तरीके के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।